हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हीना हेल्थ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कंसीव करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी रहना क्यों इतना ज़रूरी है और आपका पॉजिटिव सोचना आपके कंसीव करने या ना करने पे निर्भर क्यों करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो भी महिलाएँ ये वीडियो देख रही हैं, जो भी कंसीव करना चाहती हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ कि कंसीव करने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल या परसों मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ट्रू स्टोरी बताने वाली हूँ एक महिला की। वो महिला हमारे घर की महिला है जिसकी ये ट्रू स्टोरी है। डॉक्टर ने उनको जो है जवाब दे दिया था कि आपको कभी कंसीव नहीं होगा, लेकिन उनको कंसीव हुआ। किस तरीके से उनको कंसीव हुआ मैं उसके बारे में उस स्टोरी में आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो स्टोरी को ज़रूर देखना। आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, आपको थोड़े दिल की राहत मिलेगी कि उसको जब कंसीव हो सकता है, डॉक्टर्स ने उसको जब मना कर दिया था कि आपको कभी कंसीव नहीं होगा, तो उसको कैसे कंसीव हुआ। वो सारी स्टोरी मैं आप लोगों को कल या परसों बताने वाली हूँ, तो स्टोरी को जाके आप ज़रूर देखना। वो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको क्या सीख मिलती है कि जो है आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोग में से बहुत से लोग ऐसा सोचोगे कि मैम, पॉजिटिव रहना या ना रहना मायने नहीं रखता, और हर एक की लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स तो आती है, थोड़ा बहुत टेंशन लेना ही पड़ता है। जी, ये सही बात है कि सबकी लाइफ में टेंशन्स तो होती है और सबको थोड़ा बहुत टेंशन होता ही है। भले ही उसको बच्चे का टेंशन ना हो, लेकिन किसी और चीज़ का तो टेंशन होता ही होता है। लेकिन आप थोड़ा अपने टेंशन को, स्ट्रेस को कम कर सकते हो मेडिटेशन वगैरह करके, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लोगे, खास करके महिलाएं जितना वो स्ट्रेस लेती हैं, उनके अंदर हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, और हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना हमारे एवोल्यूशन पे उसका फ़र्क पड़ता है, और एवोल्यूशन पे जब फ़र्क पड़ता है तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत से लोगों का आपने ऐसा भी देखा होगा कि नेचुरली उन्होंने कंसीव कर लिया और शादी के तुरंत बाद ही, वो इसलिए क्योंकि वो उस टाइम पे इतना नहीं सोचते, नई नई शादी हुई होती है तो वो उस एक्साइटमेंट में होती है, खुश होती है, तो उनको जल्दी कंसीव हो जाता है। तो आपको भी खुश रहना है, अपने आजू बाजू के माहौल को आपको एकदम पॉजिटिव रखना है। अगर आपको डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया है कि आपको कंसीव नहीं होगा कभी भी, फिर भी आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, और आपको हमेशा यही सोचना है कि नहीं, मुझे कंसीव होगा, डॉक्टर ने बोला तो क्या हुआ, मुझे कंसीव होगा ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मुझे भी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी कंसीव करने में, क्योंकि मेरी एक ट्यूब भी नहीं थी और जो है डॉक्टर्स मुझे ये बोल रहे थे कि आप IVF करवा लो, ये करवा लो, लेकिन उसमें भी उन्होंने मुझे गारंटी नहीं दी थी कि मुझे कंसीव हो ही जाएगा, तो मैं अंदर से एकदम टूट गई थी। मैं आप लोगों के दर्द को समझती हूँ, जो भी महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही हैं उनकी फीलिंग्स को मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि टेंशन तो होता ही है, फैमिली का प्रेशर आता है, और जो है बहुत ज़्यादा साल हो जाते हैं तो आपको टेंशन तो होगा ही, लेकिन इससे क्या होगा, आप टेंशन तो लोगे लेकिन इससे क्या होगा, आपकी ही प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, आपको कंसीव करने में दिक्कत आएगी। तो थोड़ा आप अपने जो माहौल है उसको पॉजिटिव रखो, अपने आप को आप समझाओ कि नहीं, मुझे कंसीव होगा, भले किसी ने कुछ भी बोला हो, लोगों का तो काम ही होता है बोलना, आप लोगों की बात पे ध्यान मत दो। फैमिली ज़्यादा प्रेशर दे रही है तो फैमिली को समझाओ, नहीं, जब सही वक्त होगा मुझे कंसीव हो जाएगा, आप लोग इतना मत परेशान करो। और अगर बाहर वाले आपको ताने देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, बाहर वाले भी बहुत ज़्यादा सताते हैं, तो बाहर वालों का तो काम ही है, लोगों का काम ही होता है बोलना, तो उनको बोलने दो। अगर आप उनको हैंडल कर सकते हो अपनी तरीके से तो हैंडल कर लो, नहीं कर सकते तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। आप जो है अपनी लाइफ के ऊपर उसका असर मत पड़ने दो। मेरा ये आज का वीडियो बनाने का यही मोटिव था। जितने भी लोग, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मोस्ट ऑफ मेरे सब्सक्राइबर जो है अभी ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो मुझे उन तक ये मैसेज पहुँचाना था कि आप लोग जो है कितनी भी मेडिसिंस करते हो, कितनी भी होम रेमेडीज़ वगैरह करते हो, लेकिन आपको अपने मन में पॉजिटिविटी रखनी है, आपको ये सोचना है कि नहीं, मुझे कंसीव होगा ही होगा। आप लोग मुझे मैसेज करके बोलते हो कि मैम, मुझे कंसीव होगा कि नहीं, आप लोग मुझे ऐसा पूछो ही मत। आप अपने मन में, अगर आपको कोई बोलता भी है ना कि आपको कंसीव नहीं होगा, तो आप उसको बोलो नहीं, मुझे कंसीव होगा। ठीक है, जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं होगे तो आपके साथ कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। जब आप अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखोगे, आप खुद पॉजिटिव होगे, तो आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने खुद अपने साथ में इसको आजमाया है। जब तक मैं नेगेटिव सोच रही थी, मेरे साथ नेगेटिव ही हो रहा था, लेकिन जब मैंने ये सब चीज़ों को छोड़ दिया,
मैंने पॉजिटिव सोचना जब से शुरू किया तो मेरे साथ में पॉजिटिविटी आने लगी मेरी लाइफ में और हर एक चीज़ में मुझे सुधार मिली। बच्चे के इसमें ही मुझे पॉजिटिविटी नहीं मिली, मेरी लाइफ में और भी चीज़ों में मुझे पॉजिटिविटी मिली। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो आज का ये मैसेज मुझे आप लोगों तक पहुँचाना था। कल या परसों मैं आप लोगों के साथ में वो स्टोरी शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप लोगों को उससे कुछ सीखने मिलेगा और थोड़ा आप मोटिवेट भी हो जाओगे। आई होप आप लोगों को ये मेरी बात अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। जब तक के लिए बाय।